क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का। तो जैसा कि आप मेरे साथ रहे हैं और पहली वीडियो को आपने मेरे को देखा है, तो इस तरह ही अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ दूसरी वीडियो, जो कि है ऑप्टिकल बिजनेस सॉल्यूशंस के हवाले से। तो आपने थंबनेल तो मेरा चेक किया होगा कि क्या है और कैसे हम अपने ऑप्टिकल सॉल्यूशन के अंदर किस तरह हम अपने कस्टमर्स को ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने के लिए जो है वो मैं एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, मैं उसका प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम किस तरह अपने कस्टमर्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बिज़नेस है हमारा, उसके अंदर हमारा जो कस्टमर है वो रीबाइंड हो, दोबारा से वो कस्टमर हमारे पास आ सके और इसी के साथ साथ जो हमारा बिज़नेस की जो सेल है वो बढ़ जाए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप देखेंगे कि प्ले स्टोर में जाके आप लिखेंगे ऑप्टिकल स्टोर के नाम से, तो आपको वो जो है एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और उस डाउनलोड करने के बाद वो क्या वर्क करेगी वो मैं आपको ऑन स्क्रीन ऑफ मोबाइल दिखाऊंगा, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इजीली रन कर सकता है। तो इसमें आपने जो है वो बने रहना है मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो हल निकाला गया है। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं वीडियो। ऑप्टिकल स्टोर कस्टमर मैनेजर। तो इसी तरह हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आप देखेंगे कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ से अपने जो है वो एप्लीकेशन निकालूंगा ऑप्टिकल स्टोर की, और इसको ओपन करने के बाद आपको जो है वो इंटरफेस इसका मिल जाएगा ऑप्टिकल स्टोर का। आप इसको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐड कस्टमर पे क्लिक किया है और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है ऐड कस्टमर नेम ऐड करने की। तो यहाँ पे जो है वो हम अपने पास से मोहम्मद अली एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो यहाँ एक नेम ऐड कर देते हैं मोहम्मद अली के नाम से। तो यहाँ पे जो है नीचे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो कि मेरा अपना है। इसमें आप अपने कस्टमर का फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेल लिख सकते हैं, जो उनकी जीमेल हो या ईमेल हो या फेसबुक हो, जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप उनकी जो है वो आई थिंक सो यहाँ पे डेट होगी, तो आप डेट ऐड कर सकते हैं। और जेंडर जो है वो मेल या फीमेल जो भी हो, वो आप इसको यहाँ पे टच करके ऐड कर सकते हैं। नीचे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस को ऐड कर देंगे आप, और इसको ऐड करने के बाद इसको आप क्लिक करके टिक करके सेव कर लेंगे। बेसिकली ये जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने कस्टमर्स का डाटा रख सकते हैं। अब हमने कस्टमर लिस्ट पे गए हैं हम, और यहाँ पे हमने मोहम्मद अली हम लिखेंगे। जब हम एम लिखेंगे तो एम में जितने लोग होंगे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग ऐड हैं, ये मेरे मोबाइल फ़ोन के कस्टमर लिस्ट में ऐड है। तो यहाँ पे हम जो है वो मोहम्मद अली पूरा लिखेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास मोहम्मद अली लिखा गया है ऊपर, सबसे ऊपर। तो हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रिस्क्रिप्शन नंबर नहीं है, तो हम उसको ऐड करने के लिए प्लस दबाएंगे। प्लस को ऐड करेंगे तो पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन नंबर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे हम जो है वो अपना नंबर लिखेंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन होगा आई साइट का नंबर। तो यहाँ पे हम सफेरिकल में सफेरिकल पावर लिखेंगे, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ 2.50 की। तो यहाँ पे अभी 2.50 ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम सिलेंडर ऐड कर देते हैं 0.25, और जो एक्सेस हैं वो हम 180 लिख देते हैं। इसी तरह हम नीचे लेफ़्ट पे आएंगे, तो अगर उनका नंबर किसी भी तरह का है तो हम वो ऐड यहाँ पे कर देंगे, 3.75 कर देते हैं। तो अब ये प्लस में है या माइनस में है, ये भी आपने याद से इसको ऐड करना है। आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं अगर माइनस नंबर है, यानी कि उनका नंबर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन नंबर दूर का है, यानी कि फार का है, डिस्टेंस का। तो हम यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर उनकी एडिशन नंबर होगी, अगर एज ज़्यादा हो या एडिशन नंबर आ जाए, तो यहाँ पे एडिशन ऐड कर दें। तो यहाँ पे +2 या +1 जो आप चाहें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जो है वो डॉक्टर नेम और ऑप्टिकल स्टोर नेम पे आ जाएंगे कि किसने उनका प्रिस्क्रिप्शन नंबर निकाला है। अगर वो किसी डॉक्टर से निकाला गया है तो भी, और अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन नंबर किसी दुकानदार यानी कि किसी शॉप ने निकाला है तो भी। यहाँ पे हम फ्रेम डिटेल्स दे देंगे कि वो क्या पहनना पसंद करते हैं, सिक्योर प्लास्टिक, मेटल, एविटर और कैट शेप, जो भी शेप पसंद करें। लेंस जो है जो हमने उसमें ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं कि वो कौन सा पसंद कर रहे हैं आपके कस्टमर, ब्लू लाइट कट लेंस है, मल्टी कोटेड है, जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहें।
और रिमार्क्स दे सकते हैं कि ये कस्टमर जो है इनका बिहेव आपके साथ कैसा है, अगर आपके रेगुलर कस्टमर है तो भी, अगर कॉन्शियस कस्टमर है तो भी, और अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो थोड़ा सा रूड होता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपके पास आए तो आपको डील करने में मुश्किल नहीं होगी। आप जब उनका नाम लिखेंगे तो सारा कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा कि कौन है, कहाँ से है और इन्होंने आपसे क्या लिया था। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करें 3000 अमाउंट जो कि हमने एक ऑर्डर पिक किया है एग्जांपल के तौर पे। तो हम आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ये एक काम यहाँ पे पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम इसको कस्टमर लिस्ट में से देख सकते हैं। जब आप मोहम्मद अली लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे आई को क्लिक किया, जब हम आई को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है मोहम्मद अली की पूरी प्रिस्क्रिप्शन नंबर और उनका डाटा सामने निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि उनका नंबर वगैरह भी सब कुछ ऐड है, नेम है उनका, उनकी प्रिस्क्रिप्शन है। उसके नीचे ही जब हम बैक पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ग्रीन साइन होगा जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, उसको हम क्लिक करते हैं तो हम फ़ोन नंबर पर चले जाते हैं डायरेक्ट। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो है उनका नंबर भी ऐड हमने किया होगा और वो ऐड नंबर जो है हम कॉल के लिए प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसलिए है ताकि आपका कस्टमर आपसे बहुत सेटिस्फाई हो और वो ये समझे कि ये मुझे लेके बहुत सिंसेयर हैं, हमारे जो मेरा बिज़नेस जिनके साथ मैं जा रहा हूँ, मेरा कस्टमर है जो मेरे ऑनर्स हैं, तो उस लिहाज से। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जो है वो आई प्रिस्क्रिप्शन नंबर देख सकते हैं कि कितने लोग हमारे साथ ऐड हैं और कितने लोग जो है वो ये सारी चीज़ें जिन जिन के प्रिस्क्रिप्शन नंबर हमारे पास आए हैं वो लोग कौन कौन हैं। और यहाँ पे मंथली सेल्स भी आपको पता लग सकती है अगर आप सारा वर्क इसी के ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर मंथली सेल्स पता चलेंगे आपको। अगर जो है वो स्टोर डिटेल आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारा डॉन ऑप्टिक्स है और स्टोर डिटेल ये है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये थोड़ा सा फासले में बना हुआ है क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन का एक एप्लीकेशन है, तो आप इसको मोबाइल फ़ोन में जब देखेंगे, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। और इसको देखने के बाद आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आप इसकी करेंसी देख सकते हैं, ये जिस एरिया में जिस कंट्री में भी चल रहा होगा वहाँ की करेंसी आप ऐड कर सकते हैं। क्रिएट बैकअप है, ऐप की जो थीम है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप ब्लू कलर, ब्राउन, ब्लैक जैसा चाहें वैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने ब्लू ऐड किया था और इसके बाद मैंने जो है वो ग्रे कलर में इसको ऐड कर दिया, और अब देखें आप ग्रे कलर का जो थीम है वो हमारे सामने निकल के आ गया है। तो इसकी जो बेस्ट डील्स हैं वो आप अपने सॉफ्टवेयर में जैसे ऐड करना चाहें वैसे आ सकती हैं। और उसके बाद हम यहाँ से अब इसको बैक पे चले जाएंगे, बंद करेंगे और आपको जो है वो हम अपनी स्क्रीन पे लाएंगे। तो आते हैं न्यू वीडियो पे। का जो सोल्यूशन है जो मैंने निकाला है कि आप किस तरह अपने कस्टमर्स को ग्रो कर सकते हैं वो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो भी वीडियोज़ जो भी सोल्यूशंस आप देखना चाहें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह उन वीडियोस पे, उन चीज़ों पे वीडियोस बना के आपको इजी कर दिया करूँगा। और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको जो है वो ऑप्टिकल के हवाले से सारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स और कंपाउंड नंबर्स और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, और आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।